राम मंदिर निर्माण नींव भराई का काम तेज। विशेषज्ञों की सलाह पर इंजीनियरों ने अपनाई ये खास तकनीक। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए नींव भराई का काम तेजी से चल रहा है। इस बीच लगातार चली खुदाई के बाद विशेषज्ञों की सलाह पर यह निर्णय लिया गया है कि नींव भराई में रोलर कंपैक्ट कंक्रीट तकनीक अपनाई जाएगी। करीब 1,20,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में अभी तक 4 परत बिछाई जा चुकी है। कुल 40-50 ऐसी परत बिछाई जाएंगी। समय से निर्माण कार्य पूरा करने के मकसद से कार्यदायी संस्था के इंजीनियर और कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ट्वीट कर जानकारी दी कि राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। करीब 1,20,000 घन मीटर क्षेत्र की खुदाई के बाद मलबा निकाला जा चुका है। अब तक 4 परत बिछाई जा चुकी है। 1 फीट मोटी परत बिछाकर रोलर से कंपैक्ट करने में 4 से 5 दिन लग रहे। ट्रस्ट ने बताया कि यह काम अक्टूबर तक पूरा होने की संभावना है। ट्रस्ट ने जानकारी दी कि मंदिर निर्माण में लगे सभी मजदूर और इंजीनियर पूरी तरह स्वस्थ हैं। कहा कि यह राम लला की एक विशेष कृपा है। राम मंदिर निर्माण के काम में कोरोना काल से पूरी तत्परता से मजदूर और इंजीनियर जुटे रहे। बीच में कुछ बाधाएं जरूर आई थी, लेकिन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने स्पष्ट किया है कि राम मंदिर के निर्माण में कोई देरी नहीं होने दी जाएगी। नींव भराई के बाद मुख्य मंदिर के निर्माण का काम शुरू होगा। इस संबंध में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 15 जून को देश भर के प्रमुख वास्तुविदों की बैठक बुलाई है। बैठक में वास्तुविद राम मंदिर, राम जन्मभूमि परिसर और संपूर्ण अयोध्या के सुंदरीकरण पर अपनी राय देंगे।